Have you met people who keep criticizing everything in life? They say things like, this is not as good as it could be. You could do better. इससे तुम बेहतर कर सकते हो. तुमसे मुझे इससे ज्यादा उम्मीद थी. ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ. ऐसे डायलॉग आपने बहुत सुने होंगे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओवर क्रिटिकल हैं. हर बात में उन्हें कमी निकालने का शौक होता है. वो कभी भी किसी भी काम से खुश नहीं हो पाते. सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लोग जो इतने क्रिटिकल हैं, वो उस परफेक्शन से काम कर सकते हैं जैसा वो औरों से चाहते हैं. कैन दे बी एज परफेक्ट एज दे एक्सपेक्ट द अदर्स टू बी? आई डोंट थिंक सो. बल्कि वो औरों से कम ही कर पाएंगे, क्योंकि उनका सारा समय तो क्रिटिसाइज करने में जा रहा है. तो अगर आप हर बात में क्रिटिसाइज करते हैं, तो रुकिए, सोचिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. सोचिए कि आखिरी बार आपने किसी की प्रशंसा कब की थी. आई एम श्योर यू मस्ट नॉट हैव अप्रिशिएटेड एनीवन टिल डेट. व्हेन यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू बी परफेक्ट 100% ऑफ द टाइम्स, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू बी एबल टू डू सो? जब आप हर बार एकदम सब कुछ सही नहीं कर सकते, तो आप ये अपेक्षा औरों से कैसे रख सकते हैं? ट्राई प्रेजिंग अदर्स फॉर वंस. किसी के काम की प्रशंसा तो करके देखिए. आपको एक अलग ही एनर्जी प्रतीत होगी. कुछ भी कहने से पहले रुकिए, सोचिए कि आप जो कहने वाले हैं, क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं. 9 में से 10 बार आपको लगेगा कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है. आप याद रखिए कि जब भी आप क्रिटिकल होते हैं, आप औरों को अपने आप से दूर कर रहे हैं. यू ड्राइव अवे पीपल विद योर क्रिटिसिज्म. सो प्लीज डोंट डू सो. हमें ऐसा नहीं करना है. तो क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि आप औरों की प्रशंसा करिए. आई लीव यू विद दीज थॉट्स नाउ. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. नमस्ते.